आईटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है और मैं आदित्य पंडित। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा रेलवे के टेंडर कैसे सर्च करते हैं जो irps.gov.in के साइट्स पे। IRPS के साइट पे टेंडर सर्च करने के अलग अलग तरीके हैं जिसके बारे में हम आपको आज डिटेल्स में बताएंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे irps.gov.in का साइट खोल के रखा है। साइट खोलने के बाद यहाँ पे आपको सर्च ई टेंडर का ऑप्शन मिलेगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहला सर्च ई टेंडर का ऑप्शन पे जाता हूँ। ये मेरी साइट सभी ओपन हो रही है। यहाँ पे सबसे पहला हमारा जो ऑप्शन है एक्टिव टेंडर क्लोजिंग टूडे, मतलब आज जितने भी टेंडर्स हैं वो कितने टेंडर आज क्लोज हो रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे इतने सभी टेंडर्स के डिटेल्स आ रहे हैं। ये जितने भी टेंडर्स हैं ये सब टेंडर आज क्लोज हो रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इसके डिटेल्स है, कौन से डिपार्टमेंट का है, टेंडर नंबर है, टेंडर का टाइटल है और ये स्टेटस मतलब पब्लिश्ड है। वर्क एरिया यदि कुछ रहा तो वर्क एरिया और इसका ड्यू डेट कब है। तो बाय डिफॉल्ट ये हम लोगों ने आज के लिए दिखा, इसलिए आज का ये सिर्फ टाइमिंग आपका अलग अलग होता रहेगा, ये एक बजे होने वाला है और ड्यू डेज मतलब आज टुडे आज ये क्लोज होगा। आप इसके ऊपर देख के तो टेंडर देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए आपको कोई भी एक टेंडर निकाल के आपको दिखाता हूँ। ओपन टेंडर फॉर लाइसेंसिंग आउट ऑफ टू व्हीलर पार्किंग कॉन्ट्रैक्ट, टू व्हीलर का पार्किंग का कॉन्ट्रैक्ट है। तो मुझे आपको इसका टेंडर्स का व्यू करना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ से आप पूरे टेंडर को देख सकते हैं, इसके शेड्यूल्स, इसके एग्रीमेंट्स और इसके सभी डिटेल्स, पार्किंग का स्केच प्लान सभी, और यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं चाहे तो। ये डाउनलोड करेंगे तो इस टेंडर की जो टर्म्स कंडीशन है, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, ये सब चीज आपको यहाँ से पता चल जाता है। और यदि कुछ कोरिंडम हुआ तो आपको यहाँ पे नीचे पता चल जाएगा ये कोरिंडम के डिटेल्स। और दूसरा ऑप्शन है ऑल एक्टिव टेंडर, जितने भी अभी हम लोगों ने पहला ऑप्शन देखा कि आज जितने भी टेंडर है जो आज क्लोज हो रहे, अभी यहाँ पे ऑल एक्टिव टेंडर मतलब अभी तक इस टोटल IRPS के साइट पे जितने भी टेंडर है, कितने टेंडर्स जो सभी एक्टिव टेंडर्स मतलब वो आज भी एक्सपायर हो सकते हैं और कल भी और उसके बाद जितने भी टेंडर्स आपके रहेंगे। तो यहाँ पे सभी टेंडर्स आज का ही दिख रहा है, मैं आपको आगे का दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको आगे पता चलेगा जो आपके जो टेंडर्स है ये अभी तक भी आपका आज का ही डेट चालू है, इतने टेंडर आज क्लोज हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे 10 तारीख आ गया और यहाँ पे ड्यू डेज अभी 1 आ गया। यहाँ पर भी इसको व्यू करके आप अपना टेंडर देख सकते हैं। ये डिपार्टमेंट का नाम है, ये टेंडर नंबर है, टेंडर नंबर, डिपार्टमेंट, आप ये नोट डाउन भी करके रख सकते हैं ताकि आपको आगे पोर्टल में सर्च करने के लिए प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। और टोटल कितना टेंडर है यदि ऑल एक्टिव में, तो 15,815 टेंडर एक्टिव टेंडर है, ये भी आपको यहाँ पे रिजल्ट में बता देता है। और यदि क्लोजिंग टेंडर लास्ट 1 ईयर्स, जो टेंडर क्लोज हो गए लास्ट 1 ईयर्स में, उसका भी आपको डिटेल्स यहाँ से पता चलता है, जो जितने टेंडर्स पहले थे और लास्ट 1 ईयर्स में क्लोज हो गए। तो यहाँ पे 414,420 टेंडर्स थे जो क्लोज्ड हो चुके, तो उसके भी डिटेल्स आपको यहाँ से पता चल जाता है। मतलब यहाँ पे आपको लास्ट 1 ईयर्स के जितने भी टेंडर पब्लिश्ड हो चुके और वो क्लोज्ड हो गए उसके भी डिटेल्स आपको पता चलता है। इसके बाद आता है क्या कस्टम सर्च। यहाँ से आप अपने लेवल पे, यहाँ पे बहुत ज्यादा टेंडर था इसलिए आपको सर्च करने में शायद आपको प्रॉब्लम्स हो, पर यहाँ पे और एक ऑप्शन है कस्टम, जहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली टेंडर को सर्च कर सकते हैं, जैसे कि टेंडर नंबर स्टार्टिंग विद वगैरह से। तो मेरे पास यहाँ पे टेंडर नंबर जनरली आपके पास न्यूज़पेपर वगैरह में आपको अवेलेबल होता है तो आप वहां से इसको सर्च कर सकते हैं, नहीं तो नेम ऑफ आइटम कोड या वर्क डिस्क्रिप्शन से भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरीके से आपको टेंडर सर्च करने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे नेम ऑफ द वर्क कंटेन या कंटेन स्टार्टिंग विथ यहाँ पर भी है, तो कंटेन विथ हमको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम यहाँ पे सर्च करते। तो मुझे सिविल वर्क के टेंडर सर्च करने हैं, तो मैं कैसे सर्च करूंगा, रोड बोल के मुझे रोड का काम लेना है तो मैं यहाँ पे रोड डाल दूंगा। और यहाँ पे इसकी यूनिट्स है, यहाँ पे सभी यूनिट्स में आपको आपको मिल जाएगा, ऑल का ऑप्शन आएगा। यदि आपको पर्टिकुलर कोई डिपार्टमेंट या रेलवे का चाहिए तो आप यहाँ पे इसको सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज ऑल पे आप डालेंगे तो सभी डिपार्टमेंट्स का जाएगा। यहाँ पर भी बाय डिफॉल्ट ऑल है, या फिर यहाँ पे आपको कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट चाहिए तो आप डिपार्टमेंट ले सकते हैं, तो उतना ही वो फिल्टर कर देगा। और इसको तो यहाँ पे और एक ऑप्शन आपको मिलेगा टेंडर क्लोजिंग डेट का, यहाँ पे क्लोजिंग डेट कब से कब तक के क्लोजिंग डेट्स में आपको चाहिए, तो आज के आज का क्लोजिंग डेट का चाहिए या आगे का चाहिए। तो मुझे आगे का यदि चाहिए तो मैं उसके हिसाब से एक डेट आप रेंडमली सिलेक्ट कर लेता हूँ और शो रिजल्ट। आप जितना डेट आगे डालेंगे उतने टेंडर आपको ज्यादा मिलेगा, जितना आप कम डालेंगे उतना टेंडर आपका कम होता है। तो रोड के लिए इतने टेंडर्स अवेलेबल है जो पब्लिश हुआ है, उसके क्लोजिंग डेट वगैरह वगैरह आपको सब।
सिर्फ 9 तारीख का देखेंगे तो इतने टेंडर रोड के हैं जो आज ये टेंडर क्लोज होने वाले, 11 को इतने होने वाले, 10 को इतने क्लोज होने वाले, ये आपको सबके इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। यहाँ पे अलग वाइज आप यदि कोई सप्लाई चीज करना चाहते हैं, जैसे कि मुझे कंप्यूटर सप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर डाल देता हूँ, कंप्यूटर सप्लाई करने का टेंडर मुझे चाहिए और इसके क्लोजिंग डेट्स के अकॉर्डिंगली मैं सर्च कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्लोजिंग डेट मुझे ज्यादा दिन का नहीं चाहिए, मुझे 9 और 10 11 तीन दिन का मुझे सर्च में रिजल्ट दिखाओ, जो 9 से 11 के बीच पूरे रेलवे में कितने जगह पे कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए इतने जगह पे मुझे कंप्यूटर का रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे टोटल 10 टेंडर मुझे मिलता है जो 3 दिन में मुझे यहाँ पे डिपार्टमेंट को सिस्टम चाहिए। आप इस टेंडर का इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था जी यहाँ पे टेंडर चाहिए तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन। तो मैं यहाँ पे एक पे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे फिर से उसके इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, जो आपको कंप्यूटर क्या चाहिए, कैसा स्पेसिफिकेशन, यहाँ पे यदि आप क्लिक करते हैं तो इसके स्पेसिफिकेशन के डिटेल्स आपको मिल जाएगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, रैम कितना चाहिए, हार्ड डिस्क कितना चाहिए या वगैरह वगैरह जो भी आपके स्पेसिफिकेशन है वो आपको डिटेल में, या फिर जो भी आप दूसरे सर्विसेज भी यूज करते हैं तो वो सर्विसेज के भी टेंडर आपको यहाँ से मिलेगा, पेस्ट कंट्रोल है, हाउसकीपिंग है, तो आपको उसके सर्विसेज के भी टेंडर सर्च करने हैं तो ऐसे ही सर्च करने का तो उसके स्पेसिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा, या फिर ऐसी रिपेयरिंग सर्विस है, ऐसी मेंटेनेंस है, ये आपका मेरा यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है टेंडर, तो आप यहाँ से इसके डाउनलोड करके आप देख सकते हैं और यहाँ पे बाकी के टेंडर के डॉक्यूमेंट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से बेटर वे से आप टेंडर को सर्च कर सकते हैं। और कस्टम सर्च के बाद आपके पास और एक ऑप्शन मिलता है लाइव एंड अपकमिंग ऑक्शन, ये बेसिकली ऑक्शन के टेंडर से ये अभी तक ओपन नहीं हुआ। लाइव एंड अपकमिंग ऑक्शन जो ऑक्शन है, जैसे कि कोई रेलवे के स्क्रैप मटेरियल्स है या रेलवे के कोई व्हीकल्स है या कोई प्रॉपर्टी जिसको वो ऑक्शन में सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऑक्शन के टेंडर देख सकते हैं। यहाँ पे अभी 9 ऑक्शन के टेंडर है टोटल, आप ये 9 ऑक्शन के टेंडर को देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे ऐसे मल्टीपल लेवल पे सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है क्लोज ऑप्शन, जो ऑप्शन क्लोज हो चुके हैं उसके भी डिटेल्स मिलता है। तो ये इस टाइप में आप अलग अलग तरीके से टेंडर को सर्च कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और टेंडर को पढ़ भी सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स वीडियो आपके हमारे चैनल पे रेगुलर हम पब्लिश करते रहते हैं। और आपको इसके नोटिफिकेशन चाहिए तो प्लीज आप नोटिफिकेशन आइकन्स को दबाना ना भूलिए। थैंक यू।